मेरा नाम जिया है, मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूँ। मेरे माँ पापा की शादी के करीब 10 साल बाद मेरा जन्म हुआ था। मेरे माँ पापा बहुत खुश हैं मुझे पाकर। वो मुझे एक अच्छी जिंदगी देना चाहते हैं, पढ़ा लिखा कर मुझे काबिल इंसान बनाना चाहते हैं। मेरे पापा की अपनी बिजनेस थी, वे इतना पैसा कमा लेते हैं कि हमारे घर में किसी भी चीज की कोई दिक्कत नहीं होती, हमारा गुजारा बहुत आराम से हो जाता है। मैं माँ पापा की बहुत लाडली थी। देखते देखते समय बीतता जा रहा था। मैं करीब 6 साल की थी जब मेरी माँ की मृत्यु हुई थी। मैं बहुत नादान थी। मेरी माँ मेरे सामने लेटी हुई थी, मैं उसे उठाने की बहुत कोशिश कर रही थी पर वो उठ नहीं रही थी। मेरे पापा एक कोने में बैठकर रो रहे थे। मैं पापा से बोली, पापा देखो ना, माँ क्यों नहीं उठ रही हैं, उठाओ ना माँ को। पर पापा खामोश थे, वह मुझे गले लगाकर रोने लगे। मेरे घर में लोगों का भीड़ इकट्ठा हो गई थी। कुछ समय बाद वह माँ को ले जाने लगे। मैं जोर जोर से चिल्लाने लगी, मत ले जाओ मेरी माँ को, मत ले जाओ, मेरे पास रहने दो, मेरी माँ को लेकर मत जाओ। मुझे कौन खाना खिलाएगा, कौन मुझे लोरियां गाकर सुनाएगा, कौन मेरा ख्याल रखेगा? मेरी माँ बहुत अच्छी है, लौटा दो मेरी माँ को। पर किसी ने मेरी एक नहीं सुनी। एक काकी ने मुझे पकड़ लिया और वे लोग मेरी माँ को लेकर चले गए। माँ के जाने के बाद मैं बहुत बदल सी गई थी। पापा से भी अच्छे से बात नहीं करती थी, खुद में ही खोई रहती। ना खाना खाने का मन करता और ना ही सोने का, क्योंकि माँ का हाथ का वे खाना मुझे बहुत याद आता और बिना माँ के लोरी के तो मुझे नींद भी नहीं आती। मुझे मेरे पापा को मेरी फिक्र होने लगी। वो मेरी इस हालत को देखकर रह नहीं पा रहे थे। वे मुझसे बात करना चाहते थे पर मुझे अच्छा ही नहीं लगता था किसी से भी बात करना। मैं पापा से भी दूर दूर रहने लगी थी, अपने माँ के ख्यालों में खोई रहती थी। मैं पापा से इस बात पर गुस्सा थी कि उन्होंने मेरी माँ को मुझसे दूर कर दिया था, उन लोगों को मेरी माँ को ले जाने दिया था। मेरी माँ को वे चाहते तो रोक सकते थे पर उन्होंने नहीं रोका। मैं बहुत छोटी नादान सी थी, मुझे कुछ समझ ही नहीं थी। मुझे पता ही नहीं था कि इसमें पापा की कोई गलती नहीं, फिर भी मैं उनसे गुस्सा थी। एक दिन पापा घर एक औरत को लेकर आए और बोली, आज से ये तुम्हारी नई मम्मी है, ये तुम्हारी देखभाल अच्छे से करेंगी, तुम्हें अपने हाथों से खाना खिलाएंगी, तुम्हें लोरियां तक सुनाएंगी। मैंने गुस्से में कहा, नहीं, ये मेरी मम्मी नहीं है, ये तो कोई और है। मेरी मम्मी दिखने में बहुत सुंदर थी, वो नहीं है, मैं अपनी मम्मी को अच्छे से पहचानती हूँ। पापा मुझे गले लगा कर बोले, बेटा तुम्हारी मम्मी हम सबको छोड़कर भगवान के पास चली गई हैं और अब वे कभी लौट कर नहीं आएंगी, इसलिए भगवान ने तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी भेजी है। मेरी माँ मुझे छोड़कर भगवान के पास कभी नहीं जा सकती, आप झूठ बोल रहे हैं, मेरी माँ मुझसे बहुत प्यार करती है, वो कभी मुझे अकेला छोड़कर नहीं जा सकती। पापा बोले, बेटा भगवान को जरूरत होती है अच्छे लोगों की, इसलिए वो उन्हें अपने पास बुला लेते हैं, ना चाहते हुए भी लोगों को उनके पास जाना ही पड़ता है, और फिर भगवान ने तुम्हारे लिए दूसरी मम्मी तो भेजी है ना, ये भी तुम्हें तुम्हारी मम्मी की तरह ही प्यार करेंगी, मान जाओ बेटा प्लीज। मैं गुस्से से सीधे अपने कमरे के मंदिर में गई और भगवान से बोली, क्यों भगवान जी, आपने मेरी मम्मी को अपने पास बुला लिया, मैं तो अभी बहुत छोटी हूँ, मुझे इस दुनिया की कोई समझ नहीं, मुझे माँ की ज़रूरत थी, फिर आपने मुझे माँ से दूर क्यों कर दिया, आखिर क्यों मेरी माँ को अपने पास बुला लिया, बोलिए। फिर पापा मेरे पास आए और बोले, बेटा तुम जब बड़ी हो जाओगी तो तुम्हें सब समझ में आ जाएगा, अभी तुम बहुत छोटी हो, तुम्हें हर चीज़ की समझ नहीं है, मैं बस तुम्हें इतना समझा सकता हूँ, माना कि भगवान ने तुमसे तुम्हारी माँ छीन ली पर तुम्हारे लिए दूसरी माँ भी भेजी है, तुम उनके साथ खुश रहोगी, मैं वादा करता हूँ। मैं ना चाहते हुए भी अपनी दूसरी माँ को माँ मानने लगी, पर भगवान से मैं बहुत गुस्सा थी क्योंकि उन्होंने मुझसे मेरी माँ को छीना था। दिन बीतते जा रहे थे, जैसे कि मेरी मम्मी का सपना था मैं पढ़ लिख कर एक अच्छी इंसान बनूं, तो वह सपना पूरा करना चाहती थी इसलिए पढ़ाई मन लगा कर करती, पर मेरा पढ़ना लिखना मेरी दूसरी माँ को अच्छा नहीं लगता था, वे नहीं चाहती थी कि मैं पढ़ूं लिखूं। जब भी मैं पढ़ाई करने बैठती तो वो मुझे किसी काम के बहाने उठा देती जिससे कि मैं अपनी पढ़ाई नहीं कर पाती। धीरे धीरे मैं पढ़ाई में काफ़ी पीछे होने लगी, मेरी दूसरी माँ बिल्कुल भी अच्छी नहीं थी, मुझे बहुत परेशान करती। पापा तो बोलते थे कि बिल्कुल मेरी माँ की तरह ध्यान रखेगी, पर ये तो बिल्कुल मेरी माँ की उल्टा थी,
माँ मुझसे जितना प्यार करती थी ये मुझसे उतनी ही नफरत करती थी। मुझे भर पेट खाना भी नहीं देती थी और मुझसे घर का सारा काम करवाती। पापा तो पूरे दिन काम पर रहते, उन्हें कुछ पता ही नहीं चलता और मुझे धमकी देती, अगर मैं पापा को कुछ बताऊंगी तो वो मुझे घर से निकाल देंगी। एक दिन पापा की और मेरी दूसरी माँ की लड़ाई हो रही थी। मैं गेट के पीछे छुप कर सबको सुन रही थी। मेरी दूसरी माँ पापा से बोल रही थी कि उसे खुद की एक संतान चाहिए, पर मेरे पापा मना कर रहे थे। वो बोल रहे थे कि मेरे लिए जो है वो सिर्फ जिया है, मैं कोई और दूसरी संतान नहीं कर सकता। ये बात मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, पर मेरी दूसरी माँ अपनी संतान के लिए पापा से लड़ाई कर रही थी। जब पापा नहीं माने तो वह गुस्से से वहाँ से चली गई और बाहर आकर मुझे आवाज़ लगाने लगी। मैं डरी डरी सी अपनी दूसरी माँ के पास गई और बोली, क्या हुआ माँ, आप मुझे क्यों बुला रहे हो? तब मेरी दूसरी माँ ने कहा, जिया एक बात बताओ, अगर तुम्हारा भाई या बहन होगा तो क्या तुम खुश नहीं होगी? तुम्हें भी तो अच्छा लगेगा, तुम्हारा टाइम भी अच्छे से बीतेगा उसके साथ। दरअसल माँ की ये बात मुझे अच्छी लगी, क्योंकि मैं भी चाहती थी कि मेरा कोई भाई या बहन हो जो मेरे साथ खेले, जो मेरी बात समझता हो। मैंने कहा, हाँ माँ मुझे भी अच्छा लगता अपने भाई और बहन के साथ खेलने में। मेरी दूसरी माँ ने कहा, तो अपने पापा से कहो ना तुम्हारे लिए एक भाई या बहन लाने को। मैंने कहा, क्या मेरे बोलने से पापा मेरे लिए भाई या बहन ला देंगे? मेरी दूसरी माँ ने कहा, हाँ जहाँ तक मेरे को लगता है, अगर तुम उन्हें प्यार से बोलोगी तो वे तुम्हें मना नहीं करेंगे, तुम्हारे लिए भाई या बहन जरूर ला कर देंगे। मैं नादान सी बच्ची थी, अपनी दूसरी माँ की चाल नहीं समझ पाई और पापा के पास गई और बोली, पापा मुझे भी एक भाई या बहन चाहिए जो मेरे साथ खेले, मैं अपनी बात उसके साथ शेयर करूंगी, उसके साथ टाइम बिताया करूंगी, सबके भाई बहन होते हैं, मेरे नहीं है। प्लीज़ पापा आप मुझे भी एक भाई या बहन लाकर दे दीजिए। पापा ने कहा, ठीक है मैं जल्दी तुम्हारे लिए एक भाई या बहन लाऊंगा। मैं खुशी खुशी अपने कमरे में चली गई और अपने भाई या बहन के लिए सपने सजाने लगी। बहुत जल्दी सपना पूरा भी हो गया, मेरी दूसरी माँ को दो जुड़वा बच्चे हुए। मैं तो एक भाई या एक बहन का ही सपना सजाया था, पर मेरे पास तो एक भाई भी आया और एक बहन भी, पर मेरा ये सपना टूट गया। मेरी माँ मेरे भाई या बहन के पास जाने ही नहीं देती, मुझे दूर से ही उनको देखना पड़ता, खुद उनके पास बैठी रहती और मुझे घर का सारा काम करवाती। धीरे धीरे मेरा पढ़ाई लिखाई सब बंद हो गया, मैं बस घर के कामों में उलझ कर रह गई। मैं अकेले में बैठकर काफ़ी रोती, क्योंकि मैं अपनी माँ का सपना पूरा नहीं कर पा रही थी। एक दिन मेरी दूसरी माँ मेरे पास आई और बोली, जिया बेटा तुम पढ़ना चाहती हो ना, मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ। मैं खुश हो गई और बोली, क्या सच में माँ आप मुझे पढ़ाना चाहती हो? उन्होंने कहा, हाँ मैं तुम्हें पढ़ाना चाहती हूँ, आज शाम को ही हम लोग मार्केट चलेंगे, मैं तुम्हारे लिए नई किताबें, स्कूल का यूनिफॉर्म और स्कूल बैग भी खरीदूंगी, चलोगी ना मेरे साथ मार्केट? मैं खुशी से बोली, हाँ माँ। दूसरी माँ ने कहा, आज शाम को जल्दी से अपना सारा काम खत्म कर लेना। मैंने कहा, ठीक है। मैं जल्दी जल्दी अपना काम खत्म करने लगी। शाम तक मैंने अपना सारा काम खत्म करके तैयार होकर माँ का इंतजार करने लगी। माँ भी अपने रूम में तैयार होकर आई और बोली, जिया बेटा क्या तुम तैयार हो, हम चले तुम्हारे लिए शॉपिंग करने? मैंने कहा, हाँ माँ मैं तैयार हूँ। माँ मुझे लेकर मार्केट चली गई। सबसे पहले वह मुझे एक जूते की दुकान पर ले गई, दुकान वाले से कहा कि वह मुझे जूता दिखाए। दुकान वाला मुझे जूता दिखाने लगा और मैं जूता देखने लगी। आज मैं बहुत खुश थी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि मैं अपनी माँ का सपना पूरा कर सकती हूँ। तभी वहाँ एक आदमी आया और बोला, क्या तुम्हारा नाम जिया है? मैंने कहा, हाँ मेरा नाम जिया है। उन्होंने कहा, तुम्हारी माँ दरअसल किसी काम से घर चली गई है और उन्होंने मुझे कहा है मैं तुम्हारे घर छोड़ दूँ। मैंने कहा, अचानक वो मुझे छोड़कर कैसे जा सकती हैं? तो उस आदमी ने कहा कि दरअसल उनके बच्चों की तबीयत खराब हो गई, इसलिए उन्हें अचानक ही तुम्हें बिना बताए जाना पड़ा, बाकी का सवाल तुम घर जाकर उनसे पूछ लेना, अभी तुम चलो मेरे साथ। मैं उस आदमी के साथ जाने लगी, पर वो आदमी जिस रास्ते पे जा रहा था वो रास्ता मेरे घर को नहीं जाता था। मैंने पूछा, आप मुझे किस रास्ते से घर लेकर जा रहे हैं, ये रास्ता तो मेरे घर का नहीं है। तो उस आदमी ने कहा, ये तुम्हारे घर को ही जाता है, ये शॉर्टकट है। मैंने कहा, नहीं ये मेरे घर जाने का रास्ता नहीं है, तुम मुझे कहीं और लेकर जा रहे हो। तब उसने मुझे डांटा और चुप करा दिया, मैं जहाँ ले जा रहा हूँ वहाँ तुम्हें चुपचाप चलना होगा, तुम्हारी दूसरी माँ ने तुम्हें बेच दिया है, मुझे मैंने खरीदा है तुम्हें पैसों से, अब तुम वहीं जाओगी जहाँ मैं तुम्हें ले जाना चाहता हूँ। मैं बहुत घबरा गई और रोने लगी, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। फिर मैंने उस आदमी के हाथ को जोर से अपने दांतों से काटा और वहाँ से भाग निकली। मैं आगे आगे भाग रही थी और वो आदमी मेरा पीछा कर रहा था। कुछ दूर भागने पर एक औरत से टकरा गई और उस औरत से विनती करने लगी कि वो मुझे इस आदमी से बचा ले, ये आदमी मुझे जबरदस्ती अपने साथ ले जाना चाहता है। उस महिला ने मेरी मदद करी और मुझे छुपाकर अपने साथ अपने घर ले आई। मैंने उसे सब कुछ बता दिया, दरअसल एक अनाथालय चलाती थी। फिर उन्होंने मुझे खाना खिलाया और कहा, तुम्हें अब डरने की कोई जरूरत नहीं, तुम सही जगह आई हो, मैं तुम्हारे पापा को जल्दी तुम्हारी खबर पहुंचाऊंगी। अगले दिन मेरे पापा पुलिस के साथ वहां पहुंचे, मेरे पापा को देखकर बहुत खुश हो गई
और पापा को सारी बात बताई। पापा गुस्से में थे, वे मुझे लेकर घर आ गए और मेरी दूसरी माँ को घर से बाहर निकाल दिया। मेरी दूसरी माँ बहुत रो रही थी, वे अपनी गलतियों के लिए माफी मांग रही थी, पर मेरे पापा उसकी नहीं सुन रहे थे। उन्होंने कहा, मैं तुम्हें इस घर में सिर्फ अपनी बेटी के लिए लाया था और तुम उसी को बेचने चली थी। अब इस घर में तुम्हारी कोई जरूरत नहीं, चली जाओ हमारे घर से और हमारी जिंदगी से भी। और उसके मुंह पर दरवाजा बंद कर दिया। मैंने कहा, पापा माफ कर दीजिए, गलती तो सबसे होती है, उनसे भी हो गई, बस एक बार आप उन्हें माफ कर दीजिए। मेरे पापा बोले, नहीं, मैं तुम्हें लेकर इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता। मुझे उस औरत का कोई भरोसा नहीं, कल को वह तुम्हें कुछ भी नुकसान पहुँचा सकती है। मैं कहीं का नहीं रहूंगा, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ मेरे बच्चे, मैं तुम्हें खो नहीं सकता। तुम्हारी माँ को तो मैंने खो दिया, पर मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं खो सकता। आज से मैं ही हूँ तुम्हारे लिए माँ और पापा भी, और मैं तुम्हारे सारे सपने पूरे करूँगा। और पापा मेरे सपनों को पूरा करने में लग गए। काफ़ी सालों की मेहनत के बाद मैं डॉक्टर बनी और अपनी माँ का सपना पूरा कर दिया। मैंने अपने घर के पास एक क्लिनिक खोला जहाँ गरीब लोगों का इलाज मैं फ्री में करती हूँ। मुझे आशा है कि मेरे इस काम से मेरी माँ बहुत खुश होंगी। अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, और ऐसे कुछ नया देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। गुड लक।